गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. व्हाट अबाउट यस्टरडेज होमवर्क? ये दो क्वेश्चंस थे. यस सर, मुझे फोर्थ वाला नहीं आया. फोर्थ वाला नहीं आया. What about others? Has everyone completed his or her homework? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी कुछ ही लोगों का रिसीव हुआ है, बाकियों सबका रिसीव तो हुआ नहीं है. हम भी दिव्यांक. यस सर. कहाँ भेजा तूने होमवर्क? सब भेजा तूने, लेकिन कर रखा है होमवर्क. किसके लिए कर रखा है जब भेजा ही नहीं तो? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ की इक्वेशन बनाओ. कल बना के जो दी थी आपको इक्वेशन, 2x + 3y = 13. सेकेंड इक्वेशन 4x + 5y = 23. अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? यस सर. क्या दिक्कत है इसमें बोलो, किसी को कोई दिक्कत इन दो क्वेश्चन में? नो सर. नो सर. डेसिमल प्लेस हटाएगा ये क्वेश्चन बनेगी, यहां से डेसिमल प्लेस हटाएगी ये. तो या तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और फिर आएगा तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा. ऐसा कोई स्पेशल बात नहीं है इसमें, ठीक है? ट्राई करना और फिर नहीं आया तो बताना. और दिव्यांग, अभी क्लास खत्म होते मुझे इन दोनों क्वेश्चन की आंसर शीट मुझे मैसेज करेगा, ठीक है? यस सर. और कोई भी किसी की हेल्प करने की कोशिश नहीं करेगा दोस्ती यारी में, समझ गए क्या मोहित? अगर कोई किसी की हेल्प करने की कोशिश करेगा तो मुझे पता चल जाएगा उसकी आंसर शीट और उसके आंसर शीट से देख के. और एक्चुअली आप फिर अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर रहे हो, उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो, ठीक है ना? बोर्ड में तो जाओगे नहीं उसकी हेल्प करने, तो कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा. अगर कोई किसी से आंसर शीट मांगे या किसी भी प्रकार की हेल्प मांगे तो उसको सीधा कहना है सर से बात करो, जो भी हेल्प चाहिए सर से लो, ठीक है ना? सारे बच्चों ने सुन लिया? अगर yes, मुझे पता चला कि कोई किसी yes, को आंसर शीट भेजता है तो जो देता है आंसर शीट्स मैं उसको बाहर कर दूंगा, समझ गए? चलो एक एक क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लेट अस ट्राई दिस. वैसे काफी इजी क्वेश्चन है पर इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिख रही है कि बड़ा भयानक क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा, शक्ल से देख के लग रहा होगा कि बड़ा भयानक क्वेश्चन है, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है. ट्राई करते हैं. स्टार्ट राइटिंग. द गिवन इक्वेशंस आर, व्हाट आर द गिवन इक्वेशंस? √2x. अब ये याद रखना, ये x जो है ये रूट में नहीं है, इसको थोड़ा दूर लिखना, ये रूट केवल 2 तक ही सीमित है, x बाहर है, ओके? √2x + √3y. जल्दीबाजी में हम इस x एंड y को भी रूट में डाल देते हैं और फिर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं. = 0. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड द अदर इक्वेशन, द सेकेंड वन इज √3x - √8y. माई वॉइस इज क्लियर ना टू ऑल ऑफ यू? यस सर. = 0. फाइन, ये दो इक्वेशन है हमारे पास. अब इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. नाउ सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. Solving the equations by substitution method. तो दोनों में से एक इक्वेशन चूज करेंगे हम. वी हैव जैसे कल किया था, कल सीखा था, वो का वही काम करना है, नथिंग डिफरेंट. अच्छा, इसमें ऐसा कुछ भी अलग काम नहीं करना है जो आपको लगे कि बाकी इक्वेशन से अलग है, क्योंकि ये इक्वेशन बिल्कुल बाकियों जैसी है भाई. x
एंड वाई इसमें भी है, एक्स एंड वाई इसमें भी है, इसका कोएफिशिएंट है एक, इसका भी एक कोएफिशिएंट है, इसका भी कोएफिशिएंट है, इसका भी कोएफिशिएंट, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम वैसी की वैसी इक्वेशंस है भाई। आप इस इक्वेशन से कंपेयर करो, चलो उसको, इसमें भी एक्स वाई एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई एक्स वाई, तो कुछ डिफरेंस है क्या? बस ये है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो प्रॉपर इंटीजर्स नहीं है, वो इरेशनल नंबर्स हैं, बस इतना ही तो फर्क है कि जो मेरे कोएफिशिएंट्स हैं एक्स एंड वाई के, दे आर नॉट प्रॉपर इंटीजर्स बट दे आर इरेशनल नंबर्स, केवल इतनी सी बात है। तो क्या हुआ, हमको सॉल्व ही तो करना है, हमको नंबर्स को नंबर से प्लस माइनस जो भी हम करते हैं वो काम ही तो करना है, तो वैसे के वैसे कर देंगे। हाँ, ये इक्वेशन अलग डिफरेंट होती अगर ये x एंड y रूट में होते, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, अगर ये x एंड y ये रूट के अंदर होते तब ये इक्वेशंस बाकी इक्वेशंस से डिफरेंट मानी जाती, फिर इसको क्या करना पड़ता मुझे, रूट से निकालना पड़ता, जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, इनको मुझे कुछ भी करके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके या जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, फिर जब इक्वेशंस आएंगी तब आपको बताएंगे, उसको रूट से बाहर निकालना पड़ता, बट बिकॉज दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ रूट, यहाँ पे है ही नहीं ये रूट में, तो फिर हमको कुछ डिफरेंट नहीं करना है, जैसा हम कर रहे थे वैसे की वैसी पैटर्न फॉलो करनी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन बस दिखने में शक्ल से थोड़ा भयानक है, बाकी है बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा हम कर रहे थे। चलो, तो इक्वेशन नंबर वन हम कंसीडर करते हैं, जहां से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखेंगे। इक्वेशन वन लिख देता हूं एक बार फिर से, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स को वाई की टर्म्स में लिख देते हैं जैसा कि अपन जनरली करते हैं, तो एक्स वाली टर्म को हम रूट टू एक्स को हम यही लिख देते हैं और रूट थ्री वाई को वहां पहुंचाएंगे, तो ये जीरो तो ऑलरेडी रहेगा माइनस, क्योंकि ये प्लस में है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, और जीरो में से कोई भी नंबर घटाएंगे तो वो का वही नंबर आएगा नेगेटिव में, आएगा ना, बोलो। जीरो में से अगर मैं फाइव घटाऊंगा तो वो का वही नंबर आएगा बट नेगेटिव में आएगा, माइनस फाइव, जीरो माइनस सेवन नेगेटिव सेवन माइनस सेवन, तो उसी तरीके से जीरो माइनस रूट थ्री वाई क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री वाई, फाइन। अब क्योंकि यहाँ पे ये तो एक्स टू रूट टू एक्स की वैल्यू है, मुझे तो केवल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो रूट टू को भी भेजना पड़ेगा वहां पे, रूट टू यहाँ मल्टीप्लाइड हो रहा है एक्स से, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, है ना, लाइक दिस, एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री वाई डिवाइडेड बाय रूट टू एक्स। तो ये हो गई मेरी, सॉरी रूट टू एक्स लिख दिया मैंने गलती से, रूट टू ओनली, रूट टू को ही तो लेके जाएंगे, एक्स तो वहीं बैठा है ना, ये एक्स तो यहीं बैठा है, केवल रूट टू को उठा के इनके नीचे डालेंगे। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये एक्स की वैल्यू है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई की फॉर्म में एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर टू में, ठीक है, चलो स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग। तो आपने देखा कुछ भी अलग नहीं किया मैंने, सेम वैसे ही कर रहा हूं जैसे चलते हम। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस का साइन का ध्यान रखना, बस कहीं भूल मत जाना लगाना, रूट टू इन इक्वेशन टू वी गेट, इक्वेशन टू लिखनी पड़ेगी उसके लिए एक बार क्लियर कट, क्या थी इक्वेशन टू, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल्स टू जीरो। यही इक्वेशन थी, यस सर, यश्मी आप बीच बार बार में लीव करके वापस क्यों आ रहे हो, एंड कुणाल आज केशव कहाँ गया, एंड वन मोर स्टूडेंट, उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको आपके पास बुला लो, एंड वन मोर स्टूडेंट इज एब्सेंट, धैर्य ना, ठीक है, चलो रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल्स टू जीरो, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू। हम इसमें सब्सटीट्यूट करने वाले हैं एक्स की ये वैल्यू, यानी कि जहां जहां एक्स दिखाई देगा, ये एक ही जगह दिखाई देगा, वहां पे मैं ये वाई की ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, तो पूरी इक्वेशन वाई में चली जाएगी, वाई की फॉर्म में आ जाएगी, तो रूट थ्री एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, अब एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो क्या है,
माइनस रूट थ्री वाई डिवाइडेड बाय रूट टू, आगे माइनस रूट एट वाई एज इट इज इक्वल्स टू जीरो एज इट इज। बताएं इस स्टेप से इस स्टेप में आने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। व्हाट आई डिड, आई ओनली सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड नथिंग डिफिकल्ट और नथिंग डिफरेंट, कुछ अलग नहीं किया मैंने। रूट थ्री की जगह ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया बस बीच में, वैसे मल्टीप्लाई का साइन नहीं था इनके बीच में छुपा हुआ था, वो लगा दिया मैंने माइनस रूट एट वाई इक्वल्स टू जीरो, बाकी नो चेंज इन द अदर रिमेनिंग इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं, पूरी इक्वेशन वाई की फॉर्म में जा चुकी है तो सॉल्व करेंगे तो कट तो रहा नहीं है कुछ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो सीधे सीधे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज रूट थ्री इंटू रूट थ्री? थ्री एंड माइनस भी लगा हुआ है तो वो माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री और वाई भी लगा हुआ है डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस रूट एट। अच्छा रूट एट को भी सॉल्व करो ना बेटा, रूट एट को सॉल्व करना आता है, क्या होता है रूट एट? रूट एट क्या होता है? टू रूट टू। वेरी गुड मोहित भाई, रूट एट को सॉल्व कर सकते हैं ना हम, कैसे? टू इंटू टू इंटू टू। अब इसमें टू इंटू टू का तो पेयर कंप्लीट हो गया तो ये टू तो बाहर आ जाएगा, एक टू अंदर रह जाएगा, तो रूट एट इज टू रूट टू। ठीक है बच्चों समझ आया, जितना सॉल्व कर सकते हैं कर दो, वाई इक्वल्स टू जीरो। चले आगे, अब यहाँ पे रूट टू को एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम रूट टू को एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो ऑलरेडी रूट टू है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे वन मान सकते हैं हम, तो ये तो हो जाएगा माइनस थ्री वाई माइनस। अब रूट टू से वन को डिवाइड करेंगे तो रूट टू ही आएगा, और उस रूट टू को ऊपर वाले टू रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ भाई टू रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या क्या बनेगा वो? टू रूट टू रूट टू से, देखो रूट टू इंटू रूट टू टू बन गया और एक टू ऑलरेडी है, टू इंटू टू फोर हो गया, यानी रूट टू इंटू रूट टू फोर हो गया, और फोर के आगे वाई लगा हुआ है तो फोर वाई हो जाएगा ये, लाइक दिस इक्वल्स टू जीरो। यहां से यहां आने में कोई चीज समझ नहीं आई हो तो पूछ। सिंपल कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम चल रही है मैथ्स की, नथिंग वेरी डिफरेंट। बोलो कोई दिक्कत? यहां से आने में एलसीएम लिया है सिंपली, पर फिर भी दिक्कत हो तो पूछें। नो ठीक है आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इस रूट टू को आरएचएस में भेज देंगे जीरो की बगल में, तो रूट टू यहाँ पे होल कंप्लीट थिंग से डिवाइड हो रहा है। पहले एक बार चलो उसको सॉल्व कर लो, माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई क्या होगा ये? माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई क्या होता है? माइनस माइनस सेवन वाई बाय रूट टू इक्वल्स टू जीरो। अब रूट टू को वहां भेज देते हैं हम, तो उधर जाके ये रूट टू जीरो से हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड व्हाट इज जीरो मल्टीप्लाइड बाय रूट टू? जीरो से जो टकराएगा वो जीरो बन जाएगा। ठीक है तो y इक्वल्स टू जीरो डिवाइडेड बाय, अभी माइनस सेवन डिवाइड करवा दो, जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई कराओ तो भी आंसर जीरो, और जीरो से किसी चीज को डिवाइड कराओ तो भी आंसर जीरो। तो y की वैल्यू आ चुकी है जीरो, अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग y इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन वन, ठीक है, और इक्वेशन वन वो वाली लिखना जो आपने ट्रांसफॉर्म की हुई है। कौन सी वाली? ये वाली इक्वेशन वन, ये वाली मत लिखना, ये वाली लिखना लास्ट वाली। तो इक्वेशन वन क्या है? x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू, एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री वाई अपॉन रूट टू। इसमें जैसे ही मैं वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है? जीरो पुट करनी है, तो ये बन जाएगा माइनस थ्री इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दी जीरो डिवाइडेड बाय रूट टू। सिंपली वही जैसे पहले किया हमने, जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो बनेगा, और फिर जीरो से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी जीरो बनेगा, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है, जीरो डिवाइडेड बाय रूट टू, और जीरो डिवाइडेड बाय रूट टू भी क्या हो जाएगा? जीरो। देयरफोर एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू क्या है फाइनल सॉल्यूशन? जीरो कॉमा जीरो आंसर। पीछे से मैच कर लें।
सही है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है सभी को अच्छे से? यस सर। चलिए फिर आगे चलते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। देखो ये दो चीजों को पहले तो सॉल्व करो, मतलब ये दो इक्वेशन है आपके सामने, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करो वही जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे। सॉल्व हो जाए मतलब एक पार्ट ये कंप्लीट हो जाए तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि m की वैल्यू निकालो फॉर विच y इक्वल्स टू mx + 3। सुनो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा, x और y की वैल्यूज मिलेंगी, है ना? यस सर। x और y की वैल्यूज को जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो बदले में आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, समझे? देखो थर्ड इक्वेशन में तीन तीन वेरिएबल हैं, y भी है, m भी है, x भी है, तीन तीन वेरिएबल है, कोई बात नहीं, दो वेरिएबल की वैल्यू तो इन दोनों को सॉल्व करने से आ जाएगी जैसे अभी तक आ रही है, x और y की वैल्यू तो इन दोनों को सॉल्व करने से आ जाएगी ना, तो दो वेरिएबल को जैसे आप पुट करेंगे तो ये तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन केवल सिंगल वेरिएबल m वाले फॉर्म में रह जाएगी, y और x की तो वैल्यू पुट हो जाएगी, तो फिर m की वैल्यू वहां से सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है ठीक है, तो होमवर्क मार्क करो इसको, कुछ भी ऐसा कुछ डिफरेंट बचा नहीं, एक बार क्वेश्चन समझ गए तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, और फिर भी ना आए तो कल बताना फिर। समझ आया सबको? सलोनी सर एक बार दोबारा समझा, दोबारा समझाऊं, देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे इनको किया इनको किया इनको किया, जिसको भी सॉल्व किया तो एक्स और वाई की वैल्यूज मिली हमको फाइनल, तो फिर इनसे भी मिलेंगी x और y की वैल्यूज, उन x और y की वैल्यूज को हम इस तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी, और मुझे फाइनली मेरा क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्लियर है सभी को? यस सर। इक्वेशन से आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और थर्ड इक्वेशन, इसको मार्क कर देना, पहले इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना क्योंकि अभी हमने एक ही मेथड सीखा है, फिर एक बार जो वैल्यू पुट हो जाए तो जैसे सपोज करो आपकी आपका आंसर आ गया x, y equals to, ऐसे मान लेते हैं कि 2, 3 आ गया, तो फिर आप एक स्टेप लिखेंगे नाउ पुटिंग x, y equals to 2, 3 नाउ पुटिंग x, y equals to 2, 3 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट इक्वेशन थर्ड implies, इक्वेशन थर्ड लिख लेंगे पहले हम y equals to mx plus 3, और इसमें हम क्या करेंगे y एंड x की ये जो वैल्यूज आई हैं 2, 3 फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो ये जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी वो इधर पुट कर देंगे तो वहां से m की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों? ठीक है, स्टार्टिंग में गिवन पॉइंट्स में भी हम तीनों इक्वेशंस लिखेंगे कि गिवन इक्वेशंस आर इक्वेशन नंबर ये फिर ये फिर ये, तीनों इक्वेशंस एक बार स्टार्टिंग में लिख लेंगे, फिर सॉल्व दो को करेंगे, फिर लास्ट में उसको तीसरे में पुट करेंगे। तो मेरे हिसाब से अब क्लियर हो चुका है इक्वेशन, होमवर्क मार्क कर लेना। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं तो पिछले एक चैप्टर से वही वर्ड प्रॉब्लम्स वापस से करनी है। क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फ्रेम करो, बनाओ, और फिर उनके सॉल्यूशन निकालो काई से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर है सबको क्वेश्चन? क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई डाउट नहीं है। अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो दो इन्फॉर्मेशन है, पहली इन्फॉर्मेशन ये है यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो जैसा कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको करवाया था वो का वही काम करेंगे, इक्वेशंस बना के मैं दूंगा, सॉल्व आपको घर से करनी है, समझ गए? यस सर। चलो शुरू करते हैं, फाइंड देम, आपको दो नंबर्स, दोनों नंबर्स फाइंड आउट करना है क्योंकि दो नंबर्स हैं यहाँ पे, तो उन दोनों नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब डिफरेंस की जहां बात आती है तो डिफरेंस का मतलब क्या है, कई बार पहले बता चुके हैं, बताओ क्या मतलब होता है डिफरेंस का? बड़ा नंबर बड़े से छोटा, छोटे को माइनस करना।
तो जब भी डिफरेंस की बात आती है ना, तो हमको जो दो नंबर्स मानने पड़ेंगे वो इस तरीके से मानने पड़ेंगे, लार्जर एंड स्मॉलर। एक नंबर को लार्जर नंबर की उपाधि दो और एक नंबर को स्मॉलर नंबर की उपाधि दो। बोल, आपको लिखना पड़ेगा लार्जर नंबर विद दिस। हाँ, डिफरेंस की जगह को सम होता तो सम में फर्क नहीं पड़ता ना कि बड़ा है या छोटा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सम के केस में हम लार्जर एंड स्मॉलर ना लिख के फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर भी लिख सकते थे, लेट द फर्स्ट नंबर बी दिस, सेकंड नंबर बी दिस। लेकिन डिफरेंस की बात है तो बड़ा और छोटा मानना ही पड़ेगा। चलो, तो बड़े को एक्स मान लेते हैं, छोटे को वाई मान लेते हैं, दो ही नंबर्स मानने हैं और दो ही वेरिएबल्स हमको इस चैप्टर ने अवेलेबल कराए हैं। उन दोनों को एक एक को, एक को एक्स दे देते हैं, एक को वाई, ठीक है ना। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई, लिख लिया। और क्योंकि ये नंबर्स हैं तो नंबर्स का ये कोई यूनिट भी नहीं लगेगी। मान लो ये जैसे अमाउंट होता तो मैं लगा देता रुपीस, अगर मान लो ये वेट होता तो मैं लगा देता किलोग्राम, हाइट होती लगा देता मीटर सेंटीमीटर, या हाइट के हिसाब से फुट इंच, जो भी यूनिट में कोई डिस्टेंस होती तो मैं मीटर किलोमीटर लगा देता। लेकिन ये नंबर्स है तो नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती, सिंपली एक्स एंड वाई। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन नंबर वन इज कि उनका डिफरेंस 26 है, लिख देते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट, तो इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा इजी है अगर हम कंपेयर करें लास्ट चैप्टर से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट चैप्टर में एक ही वेरिएबल था एक्स, तो उस एक्स के बदौलत ही सारी चीजें बनानी पड़ती थी। यहाँ दो वेरिएबल हैं तो काफी चीजें आसान हो जाती हैं। इट इज गिवन दैट द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज 26. दिस इज अवर डिफरेंस गिवन, दैट इज। तो जैसा कि आपने बताया कि सर लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करो, तो लार्जर नंबर है x माइनस स्मॉलर नंबर है y, और ये डिफरेंस कितना गिवन है 26. बोलो, बन गई पहली इक्वेशन काफी इजी वे में? कोई दिक्कत आई? नो सर। नो सर। ठीक है। नो सर। तो इजी वर्ड प्रॉब्लम से पहली दूसरी, फिर धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ेगा। चलो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। अगेन इट इज गिवन दैट, दो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं गिवन होंगी ही होंगी। कई बार डायरेक्टली गिवन होती है, कई बार छुपी हुई इनडायरेक्टली गिवन होती है, आपको पहचाननी पड़ती है, पर दो इन्फॉर्मेशन वो जरूर देगा क्योंकि दो इक्वेशन बनानी है हमको। वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर। अब देखो यहाँ पे वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का तीन गुना है, तो मैं बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर का तीन गुना कर देता हूँ, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है? बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर का तीन गुना कर देता हूँ, ठीक है? चलो लिखो। अगेन इट इज गिवन दैट, तीन गुना कैसे करेंगे? तीन गुना तो बड़ा हो जाएगा ना वो नंबर। बोलो मोहित, क्लियर है डाउट? यस सर। अगेन इट इज गिवन दैट, लिखो तो उसी की लैंग्वेज जो लैंग्वेज उसने लिखी है, लेकिन फिर हम बड़े को एक्स को कर देंगे ना। इट इज गिवन दैट वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर, इज थ्री टाइम्स द अदर, दैट इज। अब वन नंबर हो गया मेरा x, इस की जगह लग गया इक्वल टू, थ्री टाइम्स का तीन इंटू, और अदर दूसरा नंबर क्या है y। कोई दिक्कत ये इक्वेशन फ्रेम करने में? देखो दैट के बाद पढ़ो, वन नंबर यानी पहला नंबर बड़ा नंबर x, फिर इस की जगह इक्वल टू का साइन, फिर थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स के लिए मैं क्या चीज लिखता हूँ, थ्री मल्टीप्लाई, और तो अदर नंबर, अदर नंबर के लिए क्या लिखते हैं अपन y, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। तो उसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू थ्री इंटू y, क्या हो जाएगा 3y, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं कह सकते,
उस वाली फॉर्म में ले जाएंगे जो फॉर्म हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए चाहिए होती है। तो वेरिएबल सारे LHS में रहते हैं, तो 3y को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y, और कांस्टेंट 0 रह जाएगा RHS में। इक्वेशन नंबर 2 बन गई दोनों इक्वेशंस। यस सर, यस सर, नाउ वी हैव, अब एक बार दोनों इक्वेशंस को, मैंने क्या कहा था, वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा हम दोनों इक्वेशंस को एक बार साथ में रखेंगे बनने के बाद। पहली इक्वेशन क्या बनी, x माइनस y इक्वल्स टू 26, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसके बाद का काम आप होमवर्क मार्क कर लो, सॉल्विंग द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको घर से करना है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। देखो इस तरीके से फिर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे अपन बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो इक्वेशंस उसमें डायरेक्टली गिवन थी, यहाँ पे हमने पहले दो इक्वेशंस बनाई, बना के फिर वही काम करना है जो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहे थे। सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी हैव, छोटी इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, इक्वेशन 1 को, और आगे का सारा काम अब आपको अपने आप करना है। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा मेरा लार्जर नंबर, जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा मेरा स्मॉलर नंबर। हो जाएगा इसके बाद का काम, बोलो बोलो बच्चों। यस सर, यस सर। चलिए, लेट अस क्विकली मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चंस के इक्वेशंस बनवा देता हूं ताकि आपके पास सफिशिएंट होमवर्क हो जाए आज का। क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, उससे पहले ये बताओ एंगल्स क्या होते हैं, वो तो पता है। यस सर, ठीक है, एंगल पता है आपको कि दो लाइंस या रेज या लाइन सेगमेंट्स के बीच का जो स्लोप होता है, एक तरीके से जो उनके बीच का जो झुकाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं ना, पता है सबको। यस सर, ठीक है। अब ये एंगल की अलग अलग मेजर होती है, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से मेजर करते हैं हम एंगल को। तो ये क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब ये एंगल्स में भी ये स्पेशल टाइप का एंगल कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल का सम 180 हो। वेरी गुड सर, जिन दो एंगल का सम 180 हो। ठीक है, देखो यहाँ पे एंगल नहीं लिखा हुआ, एंगल्स लिखा हुआ है, दैट मींस यहाँ पे दो एंगल्स हैं, मतलब एक से ज्यादा एंगल्स हैं, दो एंगल्स हैं वहाँ पे, एंगल्स लिखा हुआ है ना। अब कौन से दो एंगल्स होते हैं जो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, जिनका सम 180 डिग्रीज हो। क्लियर है सभी को, अगर किसी को नहीं पता तो इस चीज को याद रखें आज के बाद, कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिनको जोड़ने पे 180 मिले, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 डिग्री एंड 170 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे 180 मिलता है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे दोनों, मतलब इन दोनों का जो पेयर है ये पूरा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कहलाएगा। या फिर कुछ और ले लो, जैसे कि 90 ले लो और दूसरी साइड भी 90 ले लो, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, होंगे ना, 40 एंड 40 ले लो, ये भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, 30 एंड 140 ले लो, होंगे क्या सप्लीमेंट्री। नो सर, नो, बिकॉज सम 180 नहीं आ रहा, 170 आ रहा है सम, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरीके से एक सप्लीमेंट्री की तरह एक और दूसरा नाम होता है, अब जब इसका जिक्र हुआ है तो उसको भी बता ही देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। पता है किसी को कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, अगर सम 90 डिग्री है, दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो दोनों एंगल्स का पेयर कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर सम 180 डिग्री है तो फिर कहलाएगा सप्लीमेंट्री। याद रहेंगी ये चीजें आगे के लिए, क्योंकि आगे ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, उसमें सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे इक्वेशंस पे। दो एंगल्स हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन तो देखो यहीं पे मिल गई मुझे, अगर दोनों सप्लीमेंट्री हैं, अगर मैंने एक एंगल को एक्स माना एक एंगल को वाई माना, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो दोनों का सम 180 हो जाएगा। बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है ना। केवल ये सप्लीमेंट्री वर्ड जो है यही एक इक्वेशन बना के दे रहा है मुझे। आगे दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उसमें से जो बड़ा है, ऑब्वियसली दो एंगल्स हैं तो एक बड़ा एक छोटा होगा, मतलब जरूरी नहीं है कि तो एक बड़ा एक, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि एक बड़ा एक छोटा है, तो उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड करता है, एक्सीड करने का मतलब होता है ज्यादा है,
छोटे वाले एंगल से, छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है वो 18 डिग्री ज्यादा है, यानी बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से एक्सीड करता है 18 डिग्री से, यानी कि वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। समझ गए क्या दूसरी इंफॉर्मेशन? यस सर। यस सर। चलिए तो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में किया सेम वो वही स्टेप्स रहेंगे, लार्जर एंगल को हम मान लेते हैं एक्स एंड स्मॉलर एंगल को मान लेते हैं वाई। स्टार्ट राइटिंग, लेट लार्जर एंगल बी एक्स। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे इक्वेशन बड़ी आसानी से बन रही है, क्वाड्रेटिक में फिर भी थोड़ी दिक्कत आती थी, है ना? Yes, sir. Let the larger angle be, और एंगल को मेजर करते हैं अपन डिग्रीज में, तो आगे लिख लो x डिग्रीज एंड द स्मॉलर एंगल बी, मतलब कि इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, आगे चल के थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशंस भी हैं, लेकिन जनरली यहाँ पे इक्वेशंस बड़ी आसानी से बन जाती है। द स्मॉलर एंगल भी वाई डिग्रीज, पहली इंफॉर्मेशन, इट इज गिवन दैट द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज, तो फिर दोनों का सम हो जाता है 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर वन बन गई। कोई प्रॉब्लम? सेकेंड इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, अगेन इट इज गिवन दैट, अगेन इट इज गिवन दैट कि जो उनमें से बड़ा एंगल है वो एक्सीड करता है छोटे एंगल से 18 डिग्री से, द लार्जर एंगल एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, किससे ज्यादा है, स्मॉलर एंगल से, एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल, एक्सीड का मतलब वैसे होता है पीछे छोड़ देना, एक्सीड वर्ड मतलब ना जो कार रेसिंग होती है उस वाले कॉन्सेप्ट से निकल के आया है, वहां पे जैसे इस कार ने उस कार को एक्सीड कर दिया, दैट मींस वो उसको पीछे छोड़ गई, तो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल को पीछे छोड़ देता है, कितने डिग्री से पीछे छोड़ देता है, 18 डिग्री, यही गिवन है, बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम इक्वेशन बनाते हैं, देखो गिवन दैट के बाद पढ़ना स्टार्ट करो, लार्जर एंगल कौन सा था आपका, लार्जर एंगल एक्स, एक्स। अब जो अपन इज एम आर वॉज वर की जगह वो लगाते थे इक्वल टू का साइन, तो अब हम इस एक्सीड के आगे के लिए भी इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लेकिन याद रखेंगे कि एक्सीड में हम क्या, एक्सीड के मतलब दो चीजें छुपी हुई हैं, एक्सीड के अंदर एक तो इक्वल टू का साइन भी छुपा हुआ है और साथ में प्लस का साइन भी छुपा हुआ है, ये दोनों साइन इसी एक वर्ड में छुपे हुए हैं, तो इक्वल टू का भी साइन लगाना पड़ेगा और आगे चल के अब ये प्लस का साइन किसकी जगह आ जाएगा, इस बाई की जगह आ जाएगा, निकला इसमें से लेकिन लगेगा कहाँ पे, बाई की जगह लगेगा। चलो तो लार्जर एंगल, लार्जर एंगल यानी एक्स, एक्सीड की जगह इक्वल टू का साइन, आगे एक्सीड के आगे क्या लिखा हुआ है, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल क्या था, वाई, और फिर बाई की जगह मैंने क्या बताया, वो एक्सीड में से जो प्लस का साइन निकला है वो बाई की जगह लगेगा, प्लस और 18 डिग्री, तो यूनिट मत लिखो ओनली 18 लिख दो, इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ी सही फॉर्म में, तो बाई को इधर ले लो 18 को वहीं रहने दो, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये डिग्री यहाँ से भी हटा दो बेटा ना, इक्वेशन वन में जो मैंने हटाई लगाई हुई है डिग्री ऊपर 180 के ऊपर वो हटा दो, क्योंकि इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं तो कोई भी यूनिट नहीं लिखते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 बन गई दोनों इक्वेशंस, सो वी हैव, एक बार दोनों इक्वेशंस को साथ में कर देते हैं, पहली इक्वेशन बनी है x प्लस वाई इक्वल टू 180 और दूसरी इक्वेशन बनी है x माइनस वाई इक्वल टू 18। Now solving the equation by substitution method, आगे का काम आपको अपने आप करना है। Excuse me sir। हाँ बोलो मोहित। सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि exceed का plus sign किधर आएगा? जहाँ पे by preposition लिखा हुआ, याद कर लो।
एक्सीड जहां भी आएगा ना, एक्सीड, हाँ एक्सीड के साथ बाई प्रीपोजिशन हमेशा देगा, एक्सीड और बाई का एक कॉम्बिनेशन हमेशा ही मिलेगा आपको। तो एक्सीड में से जब भी आएगा एक्सीड की जगह तो इक्वल टू का साइन लगा देना और बाई की जगह आप प्लस का साइन लगा देना, ठीक है? यस सर। चाहो तो रफली कैसे भी करके इसको नोट कर लो ताकि आगे के लिए याद रहे। सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। चलो इसके आगे का काम कर लेंगे ना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस सर। यस सर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और खत्म करते हैं ना, तीन क्वेश्चन कल हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूशन, और कल हम फिर आधे टाइम में तो ये सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन बचे हैं और फिर नया मेथड भी कल ही शुरू कर लेंगे। तो वैसे काफी अच्छी स्पीड हमने मेंटेन की हुई है। कौन सा चौथा चैप्टर चल रहा है शायद हमारा, तीसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, थर्ड चैप्टर से, कोई बात नहीं, फिर भी काफी ठीक स्पीड है, हम टाइम पे हमारा कोर्स खत्म कर लेंगे अगर यही स्पीड हमने लास्ट तक मेंटेन करी तो। बस आप बीच में एबसेंट और छुट्टियां वुटियां मत लेना। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन इज, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो अपने प्लेयर्स के लिए 7 bats and 6 balls खरीदता है, ये पूरा जो भी ये सामान खरीदता है इसकी कॉस्टिंग उसको आती है 3800, यानी ये पूरा सौदा उसने 3800 रुपए में खरीदा। फिर लेटर बाद में उसको फिर जरूरत पड़ती है तो वो 3 bats and 5 balls और खरीदती है, इस बार उसको टोटल खर्चा कितने का हुआ इन सारे सामान का, 1750 रुपए। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो हर एक बैट का कॉस्ट बताओ, हर एक बॉल की कॉस्ट बताओ। ये एक्सरसाइज 1 में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने, जब हमने केवल रिप्रेजेंट किया। तो फटाफट काफी इजी है, तो बैट की, एक सिंगल बैट की कॉस्ट को एक्स मान लेंगे, सिंगल बॉल की कीमत को वाई मान लेंगे, तो ये 7x हो गया, ये 6y हो गया, एंड की जगह प्लस लगाओ, इक्वल टू 3800। इस टाइप से हो जाएगा, है ना? चलो स्टार्ट राइटिंग। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ईच बैट लिख लो या 1 bat लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी। वन मोर थिंग, जब भी हम कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, यानी कोई भी चीज मनी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कई बच्चे इस तरीके से लिखते हैं एक्स रुपीस, ये गलत तरीका है लिखने का, कई बच्चे लिख रहे हैं अभी भी, अभी एकदम से मुझे याद आ गई ये बात तो मैंने कहा बता दें, हमेशा हम रुपीस को पहले लिखेंगे, क्लियर है? ठीक है, यस सर। रुपीस एक्स, देखो बेटा केवल एग्जाम्स के लिए ही पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हमारे हर चीज को हम हर रोज इंप्रूव करें, हर रोज कुछ नया इंप्रूव करें, हमारी हैंडराइटिंग में, हमारी लिखावट में, हमारी बोली में, ठीक है ना? हमारी एक ऐसी पर्सनैलिटी बननी चाहिए कि सामने वाला, मतलब हम जो भी लिखें, जिस तरह से लिखें, जिस तरीके से बोले, वो इम्प्रेस हो, क्योंकि आपको पता है आजकल का जो जमाना है वो केवल केवल और केवल उस जमाने में आप केवल और केवल किताबी पढ़ाई से सर्वाइव नहीं कर सकते, केवल किताबी कीड़े अगर हम बन के रह जाएं तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, बताओ 90% 95% लाने वाले भी जॉबलेस बैठे हैं, अगर आपको पता हो तो, बैठे हैं कई लोग जो 90% है, 95, इवन IITians जो हैं वो भी जॉबलेस बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने किताबी पढ़ाई से वो एग्जाम्स तो क्लियर कर लिए, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे जो एटीट्यूड होता है बोलने का, या कैसे हमारा जो एक क्या कहें, बॉडी लैंग्वेज होती है, ये सारी चीजें नहीं सीख पाए वो, समझ गए क्या? तो ये सारी चीजें सीखते हुए चलो, रुपीज बाद में नहीं लगाना है। सपोज करो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू में आपसे पूछा कि ये आपने जो टाई पहनी हुई है कितने रुपए की है, तो आप उसको कहो कि 60 रुपीज, तो और एक जना कहे सर रुपीज 60,
तो इसका ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा बजाय के उसके, क्योंकि ये प्रॉपर तरीका है इसको बोलने का, ठीक है। हाँ, हिंदी में कहेंगे तो फिर रुपए कहेंगे, फिर बाद में कहेंगे जैसे 60 रुपए, हिंदी में पहले नहीं कहेंगे कि रुपए 60, ऐसे नहीं, हिंदी में बाद में कहेंगे लेकिन इंग्लिश में रुपीज पहले कहेंगे, ठीक है। क्लियर? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो 7 bat and 6 ball से केस नंबर 1, केस नंबर 1 में कितने बैट्स हैं? 7 bats हैं, तो पहले 7 bats की कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 7 bats, तो एक बैट की कॉस्ट अगर x रुपीज है तो 7 bats की कॉस्ट कितने रुपीज होगी? 7x कर चुके हैं मैं ऐसे पहले भी क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ, अब बॉल्स कितनी है पहले केस में, बॉल्स हैं 6, कॉस्ट ऑफ 6 balls, तो अगर एक बॉल की कीमत रुपीज वाई है तो 6 balls की कीमत कितनी हो जाती है? रुपीज 6 वाई। वेरी गुड, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कॉस्ट निकालेंगे, सो टोटल कॉस्ट ऑफ 7 bats and 6 balls, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमको, रुपीज 7x plus 6 balls, ठीक है, हो गया केस नंबर 1, नहीं नहीं केस नंबर 1 हुआ कहाँ है, अभी तो इक्वेशन तो बना है। अब क्या है कि इनकी टोटल कॉस्ट बुक के हिसाब से कितनी है, 3800। नाउ इट इज गिवन दैट, या बट इट इज गिवन दैट, देखो जब भी हम कोई भी चीज हमारे हिसाब से निकाल लें और फिर उनके हिसाब से जो गिवन है उससे कंपेयर करें, तो हम जो कंजंक्शन यूज करेंगे वो करेंगे बट। हमने हमारे हिसाब से टोटल कॉस्ट निकाली, अब उनकी जो कॉस्ट गिवन है उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने जो कनेक्टर यूज किया बट, इट इज गिवन दैट the total cost of seven bats and 6 balls is rupees 3800, इतना ही गिवन है, yes इतना ही गिवन है, that is, अब यहां से equation number 1 frame हो चुकी है, हमारे हिसाब से total cost आ रही है 7x plus 6y, इक्वल टू उनके हिसाब से टोटल कॉस्ट आ रही है 3800, इसमें से कुछ कट रहा नहीं है, यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई पहली इक्वेशन। यस सर। 2 मिनट का टाइम दिया, फटाफट से सेकंड इक्वेशन बनाओ, इन्हीं सारी स्टेप्स को कॉपी पेस्ट करना है, फटाफट शुरू हो जाओ। क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन दिखाएं, ये लो देखो, 3 bats 5 balls, अच्छा 3 questions और रह गए क्या, चलो ये कल करेंगे। विद प्रॉपर स्टेप्स करेंगे केस टू, सब हर कोई, केवल इक्वेशन नहीं बनानी, स्टेप्स भी चाहिए। 3 bats हैं 5 balls हैं, डन, वेरी गुड सर, कंप्लीट सर, डन डन सर, डन सर, डन ओके सर, डन सर, डन सर, डन। चलिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया, देखो फटाफट से देखो केस 1 की जगह, इसी में मैं करेक्शन करके दिखा रहा हूँ, आप रेक्टिफाई करते जाओ अगर कोई गलती है तो। केस 2 में कितने बैट्स खरीदे हैं कोच ने? 3 bats, तो कॉस्ट ऑफ 3 bats जो कि हो जाएगा 3x, राइट, 3 bats 3x, और बॉल्स कितनी खरीदी हैं सेकंड केस में? 5 balls, तो कॉस्ट ऑफ 5 balls इक्वल्स टू 5y, करेक्ट, यस सर,
यस सर। फिर कंबाइन कॉस्ट हम निकालेंगे थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स की, थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स, दैट कम्स आउट टू बी 3x प्लस 5y, करेक्ट? Yes, sir. लेकिन उनके हिसाब से जो कंबाइन कॉस्ट आ रही है थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स की, वो कितनी आ रही है? 1750। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है क्या, 3x प्लस 5y, ये हमारी कंबाइन कॉस्ट और ये उनकी कंबाइन कॉस्ट 1750। चेक करो, यही केस टू बनाया गया पूरा, वर्ड टू वर्ड चेक कर लो फटाफट। ठीक है, चाहो तो स्नैपशॉट ले लो, बाद में देख लेना, ये वर्ड टू वर्ड मैंने केस टू बना दिया। चलो दोनों इक्वेशंस बन गई, अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव, दोनों इक्वेशंस को साथ में लिखेंगे पहले, सो वी हैव, बोलो पहली इक्वेशन क्या थी, मैंने इरेज कर दिए, आप बताओ क्या थी, 7x equals to 3800. Equation 1 and the second equation 3x plus 5y equals to 1750. Equation number 2. Now solving the equation by substitution method. Being the equations, there are two equations, so write equations by सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को थोड़ा हाईलाइट करके लिखा करो ताकि साफ साफ पता चले कि आपने ये वाला मेथड अप्लाई किया। वी हैव, जो छोटी है उसको उठा लें, तो अब की बार छोटी वाली दूसरी दिख रही है मुझे पहले के मुकाबले, राइट? तो अब की बार इक्वेशन टू उठाएंगे हम पहले, और फिर टू में से वैल्यू निकाल के वन में पुट करेंगे। ठीक है, हो जाएगा इसके बाद का काम? ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक x की वैल्यू मिलेगी, एक y की वैल्यू मिलेगी। जो x की वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच बैट, और जो y की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, राइट? और ध्यान से देखो, यही उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो लीनियर इक्वेशन में बड़ी ही आसान सी चीज होती है, जो पूछे उसी को x और y मान लो, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल पूछी है, इसी को एक्स मान लो कॉस्ट ऑफ ईच बैट को, एंड इसी को वाई मान लो कॉस्ट ऑफ, जो पूछे उसी को एक्स वाई मान लो। जैसे ही एक्स और वाई सॉल्व होता है तो यानी कि आपकी वो चीज निकल जाती है डायरेक्टली जो उसने पूछी थी, आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, इनफ फॉर टुडे, होमवर्क रिपीट कर देता हूँ एक बार में फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होमवर्क है, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन हमने फ्रेम कर ली है, उनको केवल सॉल्व करना है। तो इन ऑल टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? प्लस दिव्यांग अभी मुझे क्लास खत्म होते ही विद इन 10 मिनट्स मुझे इन दोनों के सॉल्यूशन भेजेगा। ठीक है दिव्यांग? यस सर। ये तो किए हुए हैं ना, केवल फोटो ही तो खींचनी है। यस सर, फोटो खींचो और भेजो। ठीक है, चलिए, तो इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो, यू कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। बाय सर। बाय बाय सर।